सो गाइस आज हम सिर्फ एग्जैक्टली टोनी महफूज की तरह सिर्फ दो ही या तीन मिनट में फोटो को करेंगे एडिट, वो भी पिक्सार्ट और मोबाइल लाइटरूम एप्लीकेशन में। सबसे पहले गाइस कुछ फोटो को कुछ इस तरह के पोज में एक फोटो को करना है क्लिक, यानी कि जो सनलाइट है वो आपके रूम पे गिर रही हो और वन फ्रॉम द वन साइड ऑफ द विंडो और आप जमीन पे कुछ इस तरह के पोज में आप लेटे हो। अब फोटो को के बैकग्राउंड को करना है आपको रिमूव। ऑलरेडी आपको पता ही है कि कैसे फोटो को रिमूव करते हैं, यानी कि बैकग्राउंड को इरेज करते हैं, वो मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। अब गाइस यहां से फोटो लेयर में जाना और ये वाला जो बैकग्राउंड उसको सबसे नीचे की तरफ कुछ इस तरह के पोज में ऐड करना है और यहाँ से एम्प्टी लेयर को भी एग्जैक्टली बिलो द मॉडल लेयर वो आपको करना है और प्लेस करना है और यहाँ से ब्रश टूल को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे जो गाइस इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज ऑफ क्रिएटिंग द शेडोज बिलो द मॉडल लेयर। सो गाइस यहाँ से कुछ इस तरह से हम शेडोज को करेंगे हल्का सा क्रिएट और यानी कि जस्ट आपको ब्रश टूल की मदद से ब्लैक कलर को लेकर आपको जस्ट पेंट करना है कुछ इस तरह से ताकि एकदम परफेक्ट शेडोज बन जाए हमारे फोटो में, विच इज़ वेरी प्रीटी अमेजिंग एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। और आप अपनी तरह से टाइम ले सकते हो जितना भी लगे और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको कर देंगे हम डार्कन गाइस। सो आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, बहुत ही मस्त वाला लुक आ चुका है, यानी कि परफेक्ट शेडो क्रिएट हो चुका है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन होल एडिटिंग। सो आप गाइस यहाँ से हम थ्री डॉट पे करेंगे क्लिक और फोटो को करेंगे सेव और फोटो को करते हैं ओपन मोबाइल आइटम एप्लीकेशन और ये जो प्रीसेट है दैट इज टोनी महफूज इंस्पायर्ड ब्लू एंड ब्राउन DNG प्रीसेट, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और यहाँ से करते हैं कॉपी सेटिंग्स इस जो प्रीसेट है उसको और फोटो को करते हैं ओपन, यहाँ से क्लिक ऑन द थ्री डॉट एंड गाइस सिलेक्ट द पेस्ट सेटिंग्स एंड यू आर डन। आफ्टर डूइंग दैट अब गाइस यहाँ से थोड़ा और एडजस्ट करेंगे प्रीसेट में। सो आप गाइस यहाँ से जाएंगे एक्सपो हाईलाइट्स को करेंगे हल्का सा रेड्यूस और जो वाइटनेस को भी हल्का सा करेंगे इंक्रीज और शेडोज को हल्का सा डिक्रीज कर देंगे और गाइस यहाँ से सैचुरेशन है उसको कर देंगे इंक्रीज और वाइब्रेंस को भी कर देंगे इंक्रीज और यहाँ से गाइस मिक्स टोन में जाएंगे और ये जो रेड टोन यानी कि ऑरेंज कलर है उसका भी सैचुरेशन कर देंगे डिक्रीज टू अराउंड -2 और सैचुरेशन यहाँ से करेंगे इंक्रीज। और गाइस द मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस यानी कि जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हमारे स्किन टोन है उसको फिक्स करने के लिए ही कर रहे हैं, जितनी भी कलर ग्रेडिंग अभी फिलहाल जो कर रहे हैं आफ्टर एडिंग द प्रीसेट। सो आप अपनी तरह से जितना भी टाइम टोटली आपके ऊपर है यानी कि आपका स्किन टोन भी डिफरेंट होगा सो वो आप अपनी तरह से यू नो रेड ऑरेंज एंड येलो टोन को एडजस्ट कर सकते हैं, स्लाइडर्स को, ह्यू एंड सैचुरेशन एंड लुमिनेसेंस को। इन शॉर्ट परफेक्ट आपको स्किन टोन एकदम गोल्ड इज पिंक टोन का स्किन टोन होना चाहिए, दैट शुड बी आवर फाइनल रिजल्ट। सो आप जितना भी एडजस्ट करना चाहो वो आप टोटली कर सकते हो, वो आपके ऊपर है गाइस क्योंकि हर एक इंसान का जो स्किन टोन है वो डिफरेंट होता है। सो गाइस अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया देन जस्ट गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जस्ट हैव आशवी क्रिएशंस। सो गाइस यहाँ से हम जाएंगे हल्का सा और एडजस्ट करेंगे जो कर्व को, अब गाइस यहाँ से कर्व टोन करेंगे हल्का सा मैट इफेक्ट है उसको करेंगे रेड्यूस यानी कि जो पॉइंट है उसको हल्का सा नीचे की तरफ वो जो कर्व को नीचे की तरफ ले जाएंगे यानी कि हल्का सा मैट इफेक्ट रेड्यूस हो जाएगा। सो आप देख सकते हो हमारी कलर ग्रेडिंग हो चुकी है बिफोर एंड आफ्टर, इज लुकिंग सो प्रीटी परफेक्ट। सो काइंडली स्मैश द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन इन द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन गाइस बी क्रिएटिव एंड बी ऑसम।